दोस्तों सोचो एक ऐसा इंटरनेट जिसमें कोई सर्च इंजन ही ना हो, एक ऐसा इंटरनेट जिसमें हर बार आपको आपके फेवरेट वेबसाइट को ओपन करने के लिए लंबा चौड़ा लिंक एड्रेस टाइप करना पड़े। कल्पना करो एक ऐसे सर्च इंजन की जो पूरी तरह एडवर्टाइजमेंट और बैनर से भरा हुआ हो, जिसमें घंटों तक वक्त बिताने के बाद भी आपको अपने काम की कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। दोस्तों आप मानो या ना मानो पर 90 के शतक में इंटरनेट के हाल कुछ ऐसे ही थे। लेकिन फिर कहीं से दो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सपना पूरी दुनिया के इंटरनेट को जमा करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से कोई भी इंसान दुनिया भर की जानकारी घर बैठे बस कुछ ही सेकेंड्स में पा सके। आज की कहानी इन्हीं दो लड़कों की मेहनत और एक ऐसे आविष्कार की है जिसने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाकर रख दी। हे हेलो गाइस, कैसे हो आप? इट्स काउंटडाउन हियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जाने माने सर्च इंजन गूगल के बारे में और साथ ही हम जानेंगे उससे जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बिना वक्त गवाए लेट्स बिगिन। नंबर 1, गूगल की शुरुआत हुई थी कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाले दो स्टूडेंट्स ने गूगल को एक प्रोजेक्ट के रूप में 1996 में शुरू किया, जिनका नाम लैरी पेज और सर्गे ब्रिन था। ये दोनों ही महत्वाकांक्षी लड़के एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहते थे जिसकी मदद से इंटरनेट यूजर्स को एकदम साफ, सटीक और सुपर फास्ट रिजल्ट मिल सके, और इसीलिए उन्होंने सहारा लिया बैक लिंक्स का। बैक लिंक्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के एक वेब पेज को दूसरे पेज से लिंक करना। अगर कोई वेब पेज बहुत सारी वेबसाइट से लिंक हुआ है तो इसका मतलब वो पेज लोगों के काफ़ी काम का है। अब इसे सीधी भाषा में समझाया जाए तो मान लीजिए इंटरनेट पर ताजमहल की जानकारी देने वाला पेज ए 10,000 वेबसाइट से लिंक हुआ है, तो वही दूसरे तरफ पेज बी सिर्फ 4 वेबसाइट से लिंक हुआ है, तो गूगल पेज ए को आपके सर्च किए हुए रिजल्ट में सबसे ऊपर लाकर रख देगा और पेज बी को सबसे नीचे, और इस तरह आपको हर बार सबसे काम की इंफॉर्मेशन ऊपर दिखाई देगी। नंबर 2, जब गूगल की शुरुआत हुई थी तब उसका नाम गूगल नहीं बल्कि बैकरब रखा गया। इसके पीछे का कारण बस ये था कि ये सर्च इंजन बैकलिंक से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से वेबसाइट्स की रैंकिंग करता था, लेकिन ये नाम पेज और ब्रिन को ज्यादा पसंद नहीं था, वो उसे बदलना चाहते थे, और इस काम में उनकी मदद की शॉन एंडरसन ने। शॉन ने उन्हें गूगल इस नाम को सजेस्ट किया, जिसका मैथमेटिक्स में मतलब होता है 1 के ऊपर 100 और 0। इतना बड़ा नंबर कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि उनका बनाया हुआ सर्च इंजन इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल करता है। लेकिन जब नाम रजिस्टर करने की बारी आई तब शॉन ने गलती से गूगल की बजाय गूगल टाइप कर दिया, जिसने पेज और ब्रिन का ध्यान आकर्षित कर लिया। ये नाम काफ़ी यूनिक था और उन्हें काफ़ी पसंद आया, और इस तरह सितंबर 15, 1997 में गूगल ऑफिशियली रजिस्टर हुआ। नंबर 3, अगर आपने गूगल की वेबसाइट अच्छे से देखी तो आपको पता चलेगा कि उसका इंटरफेस काफी सीधा साधा और सिंपल है, जैसे कि गूगल का एक लोगो, सर्च बॉक्स और सर्च के लिए 2 बटन, बस इतना ही। तो सवाल ये बनता है कि गूगल जैसी इतनी बड़ी वेबसाइट दिखने में इतनी बोरिंग क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि जब ये वेबसाइट बनाई जानी थी तब गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को HTML प्रोग्रामिंग का काफ़ी कम नॉलेज था। दरअसल HTML प्रोग्रामिंग तब काम में लाई जाती है जब हमें कोई वेबसाइट बनानी हो, लेकिन इस प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी जानकारी ना होने के कारण गूगल की वेबसाइट कुछ इस तरह बनी, और यही कारण था कि शुरुआती दिनों में गूगल पर सर्च का बटन तक नहीं था और लोगों को सर्च करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल करना पड़ता। नंबर 4, गूगल का इंटरफेस चाहे कैसा भी हो, लोग उसे पसंद करते थे उसके सुपर फास्ट रिस्पॉन्स और एक्यूरेट रिजल्ट की वजह से। लोगों को एडवर्टाइजमेंट से भरे सर्च इंजन से ज्यादा गूगल का साफ सुथरा इंटरफेस काफी पसंद आया, और गूगल के फाउंडर्स लोगों के इसी विश्वास को कायम रखना चाहते थे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी
तो गूगल पैसे कैसे कमाएगा, और बिना पैसों के कंपनी डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और यही कारण था कि गूगल के फाउंडर्स ने इस वेबसाइट को बेचने की ठान ली। गूगल ने एक्साइट के सामने, जो कि उस समय की दूसरी सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी थी, वेबसाइट के बदले $7.5 लाख की मांग की, लेकिन एक्साइट ने साफ इनकार कर दिया। उसी तरह 1998 में याहू ने गूगल को महज $10 लाख में खरीदने का सुनहरा मौका गंवा दिया। आज मार्केट में याहू की टोटल वैल्यू $4,000 करोड़ है और गूगल $50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट वैल्यू रखता है। नंबर 5। हालांकि गूगल बेमतलब की एडवर्टाइजमेंट दिखा के इंटरनेट यूजर्स को परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पैसे भी तो कमाने थे और इसीलिए उन्होंने सहारा लिया कीवर्ड्स का। दरअसल आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो तो गूगल उसे एनालाइज करके आपको उसी के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जिससे इंटरनेट यूजर्स को अपने काम की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है और गूगल को अपना पैसा। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन गूगल अपने कमाई का 90% हिस्सा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही कमा लेता है, यानी 24 घंटों में लगभग $10 करोड़। गूगल आज भी लोगों का भरोसा रखते हुए अपने होम पेज पर एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाता। एडवर्टाइज से याद आया, आई एम फीलिंग लकी, ये एक अकेला बटन गूगल का हर साल $11 करोड़ का नुकसान कर देता है, क्योंकि आप इसके मदद से जब भी कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना दिखाते हुए सीधा उसके सर्च रिजल्ट के पहले वेबसाइट में लेके जाता है। लेकिन इसके बावजूद गूगल उस बटन को कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि लोगों को वह बटन देखना पसंद है। नंबर 6। ये रहा गूगल का दिमाग। गूगल का सबसे पहला 40 GB कैपेसिटी वाला कंप्यूटर सर्वर, जो कि लीगोस के मदद से कवर किया गया था, ताकि जब भी सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो उसे कवर करने में आसानी हो सके। जाहिर सी बात है, अब ऐसे सर्वर तो यूज नहीं होते। अब तो गूगल ऐसे सर्वर्स यूज करता है जिनकी कैपेसिटी करोड़ों में होती है। अब तक के कैलकुलेशन से ये पता चला है कि गूगल की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 15 exabyte, यानी 15,000 करोड़ GB है। अब बात करते हैं गूगल के स्टैटिस्टिक्स की। गूगल पर हर मिनट में 40 लाख से भी ज़्यादा सर्चेस किए जाते हैं। अगर आप कोई कीवर्ड सर्च बॉक्स में टाइप करते हो तो टाइप किए हुए कीवर्ड से जुड़े 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेजेस की जानकारी गूगल महज 1 सेकंड के अंदर आपको दे देता है। जाहिर सी बात है, ऐसे कामों में काफ़ी सारी एनर्जी और पावर का इस्तेमाल तो होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि गूगल से की गई 2 सर्चेस 15 ग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जो कि चाय की केटली गर्म करने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। नंबर 7। गूगल सिर्फ सर्च इंजन तक ही सीमित नहीं रहा। 2001 के बाद उसने कई सारी और कंपनीज भी खरीद ली। बेसिकली जो कंपनी गूगल को फ्यूचर में बहुत सारा फायदा देगी, गूगल उसे खरीद लेगा। अब तक गूगल 200 से भी ज़्यादा कंपनीज खरीद चुका है, जैसे कि एंड्रॉयड, यूट्यूब, गूगल मैप्स, एडसेंस, रिकैप्चा और 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक इंडियन कंपनी हॉली लैब्स। कंपनीज के अलावा गूगल और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि आपको गूगल मैप्स का एक फंक्शन स्ट्रीट व्यू तो पता होगा ही। उसके लिए गूगल ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन खास रेगिस्तानी इलाकों के लिए गूगल ने काफ़ी सारे कैमल्स को हायर कर रखा है। जहां दूसरी कंपनियां घास काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करती है, वहीं गूगल के हेडक्वार्टर में ये काम बकरियां करती है। जी हाँ, इस पर वहां के एम्प्लॉयज का ये कहना है कि बिना मशीनों के शोर नहीं होता और उन्हें ऐसा चरते हुए देखकर मज़ा भी आता है। इतना ही नहीं, गूगल के हेडक्वार्टर में एक असली T-Rex का जीवाश्म रखा है, जो हमेशा उनके एम्प्लॉयज को इस बात की याद दिलाता है कि गूगल को कभी भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त नहीं होने देना। नंबर 8। 2017 के फोर्ब्स के आर्टिकल के अनुसार द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड के लिस्ट में गूगल का एप्पल के बाद दूसरा नंबर आया, और एलेक्सा रैंकिंग के अनुसार google.com पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली वेबसाइट है। अब तो गूगल इंटरनेट का दूसरा नाम बन चुका है। तो ज़रा सोचो, क्या होगा अगर गूगल बंद हो जाए। आप मानो या ना मानो, पर 2013 में गूगल के पावर सोर्स में कुछ खराबी आने के कारण गूगल की सर्विसेज महज 5 मिनट के लिए बंद हो गई। इसका नतीजा हुआ ये
कि अगले 5 मिनट तक गूगल से जुड़ी सारी वेबसाइट्स जैसे कि सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, मैप्स, गूगल प्लस, सॉरी इसे कोई यूज़ नहीं करता, ये सारी वेबसाइट्स बंद हो गई और महज 5 मिनट में पूरी दुनिया का इंटरनेट ट्रैफिक 40% गिर गया। नतीजा $5,00,000 का नुकसान। इस घटना ने हमें ये बता दिया कि हम गूगल पर कितना निर्भर है और क्या होगा अगर गूगल बंद हो जाए। नंबर 9। दोस्तों, गूगल की सक्सेस स्टोरी में उन्हें कई बार फेल्योर्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि कई बार गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज ग्राहकों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और वो गूगल के फेल्योर लिस्ट में शामिल हो गई। गूगल बस खास फेसबुक को टक्कर देने के लिए बनाई गई ये सोशल मीडिया वेबसाइट तब बुरी तरह फेल हो गई जब लोगों की वेबसाइट के प्राइवेसी से जुड़ी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि गूगल ने ट्विटर और फेसबुक जैसी वेबसाइट के खिलाफ कोई नई सर्विस शुरू की हो। ऑरकुट, गूगल प्लस, गूगल वेव ये कुछ ऐसी ही सर्विसेज है जो बुरी तरह फेल हो गई। गूगल वीडियो, इसके फेल होने के पीछे का कारण गूगल आंसर, ये एक ऐसी सर्विस थी जिसमें आप पैसे देकर प्रोफेशनल लोगों को सवाल पूछ सकते थे और बदले में वो आपके सवाल का जवाब देते। लेकिन पैसे देकर किसी सवाल का जवाब ढूंढने से अच्छा लोग फ्री में गूगल पर जवाब ढूंढना पसंद करते और इसीलिए ये सर्विस ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी और फेल हो गई। गूगल ग्लास, इसके बारे में किसे नहीं पता। साइंस फिक्शन की दुनिया से रियलिटी में उतरी गई इस गूगल डिवाइस से काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कीमत, सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड इशू और अजीब सा डिज़ाइन, इन कारणों की वजह से गूगल ग्लास मार्केट से बाहर हो गए। नंबर 10। गूगल एक ऐसी कंपनी है जहां दुनिया का हर व्यक्ति काम करना चाहेगा। आप यकीन नहीं करते तो ये रहा गूगल का हेडक्वार्टर। कैलिफोर्निया माउंटेन व्यू में स्थित गूगल का ये ऑफिस कहलाया जाता है गूगल प्लेक्स। तकरीबन 20,00,000 स्क्वायर फीट में फैली गूगल की ये कंपनी अंदर से भी काफी हैरत अंगेज है। यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है कि गूगल के एम्प्लॉयज को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने काम का 20% समय ऐसे काम करने में गुजारे जो उन्हें खुद करना पसंद हो। अगर कोई एम्प्लॉय अपने रोजमर्रा के टेबल वर्क से परेशान हो तो वो अपना काम कहीं और भी जाकर कर सकता है, जैसे कि यहाँ, यहाँ और यहाँ। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए गूगल अपने एम्प्लॉयज के सेहत का काफी ख्याल रखता है और इसीलिए काम के अलावा उन्हें यहाँ मिलता है 3 वक्त का ऐसा खाना जो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं, वो भी फ्री में। खाने में यूज होने वाली फल और सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती है ताकि खाने का स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाए। खाने के साथ साथ शरीर को तंदुरुस्त रखना भी काफी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर है 3 फुल साइज जिम, स्विमिंग पूल और प्ले हाउस जहाँ पर वो कसरत कर सकते हैं। और तो और, दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ उन्हें मिलता है स्पाइन मसाज और सोने के लिए हाईटेक स्लीप रूम। इतने बड़े कंपनी में ट्रैवल करने के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, स्केट्स, यहाँ तक कि स्लाइड भी। और कहीं बाहर जाना हो तो वो कंपनी की इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्री में। यहाँ के एम्प्लॉयज का फ्यूचर भी काफी सेफ है क्योंकि यहाँ उन्हें मिलता है फ्री हेल्थ चेकअप, मेडिकल और प्रेगनेंसी कंपेंसेशन और किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके फैमिली को अगले 10 साल की सैलरी। तो है ना ये कंपनी काफी मजेदार। बोनस फैक्ट, क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि भारत के ही रहने वाले और गूगल के एक्स एम्प्लॉय सन्मय वेद ने google.com को लगभग 800 रुपए में खरीद लिया। दरअसल हुआ यू कि सन्मय वेद इंटरनेट पर google.com इस डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता सर्च कर रहे थे और हैरानी की बात ये हुई कि सच में google.com बेचे जाने के लिए अवेलेबल था, वो भी सिर्फ $12 में। फिर क्या था, उन्होंने जरा भी वक्त ना गवाते हुए उसे खरीद लिया और अगले ही पल सन्मय $50,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू रखने वाले google.com के मालिक बन गए। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि अगले ही पल उन्हें गूगल से ऑर्डर कैंसलेशन का ईमेल आया और उनका google.com का परचेस कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि सन्मय की वजह से गूगल को इतने बड़े प्रॉब्लम का पता चला और इसीलिए गूगल ने उन्हें इतने डॉलर्स का इनाम दिया। पर इनाम की रकम इतनी अजीब क्यों? क्योंकि इसे जरा ध्यान से देखिए।
लेकिन सनमय ने उन सारे पैसों को अपने पास ना रखते हुए भारत के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में दान करने की ठान ली। और सनमय के इसी नेक इरादे के कारण गूगल ने इनाम की रकम डबल कर दी। तो दोस्तों, ये थी गूगल की कहानी मेरी जबानी। मैंने इस कहानी को अपने अंदाज में टॉप 10 फैक्ट्स के रूप में आपको सुनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, ये वीडियो यही खत्म होती है और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।